ड्राइंग बनाकर गौवंश की तस्करी का अपराध कारित करने वाले चार अपराधियों के विरुद्ध गोला थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने दी जानकारी। नगर निगम के द्वारा रात में यात्रियों के रुकने के लिए 13 रैन बसेरे महानगर में हो रहे हैं संचालित। रुकने की दी जा रही है पूरी व्यवस्था। बाहरी जिलों में से आया कोई भी नागरिक आईडी देकर रुक सकता है रात। जनपद में पांडे हाता के दुकानदारों ने रोड चौड़ीकरण के विरोध में अपनी दुकानों को किया बंद। कहा प्रशासन कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यापारियों से करे बात। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा ठंड में कोहरे को देखते हुए सभी ट्रेनों में लगाया गया फॉग सेव डिवाइस। जीपीएस की तरह कर रहा है कार्य। सिग्नल आने से पहले देता है सिग्नल। कोहरे में हो रहा है अच्छे से ट्रेनों का संचालन। अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह ने गन्ना किसानों के लिए होने वाले सम्मान के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह ने अटल आवासीय विद्यालय को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरापुट जिले के पिपराइज थाना के पुलिस टीम ने धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के आरोपी किशोर कुमार यादव को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर के नवागत एडीजी जोन के एस प्रताप ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात की प्रेस वार्ता, बताएं प्राथमिकता। एसपी नॉर्थ के अगुवाई में थाना गुलहरिया पुलिस टीम के साथ कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मुख्य बाजारों में पैदल गश्त करके आम जनमानस को सुरक्षा का कराया एहसास। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की ली गई तलाशी, की गई कार्रवाई।